हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी, राजधानी गारमेंट जंक्शन। लेडीज पदार्पण दिन मुकम्मल हो रहा है और 25 बरस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कदम रख रही है। आदरणीय शरद पवार साहब ने आज से 24 साल पहले देश के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बुनियाद डाली और 24 बरस मुकम्मल हो रहे और एक विचारधारा, एक सोच जो इस देश जब आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो एक सेकुलर मुल्क को घटना तैयार की गई। हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों को न्याय दिया गया और उस आधार के ऊपर शरद पवार साहब ने आज तक अपनी विचारधारा को साथ में लेते हुए यहाँ तक उन्होंने सफर मुकम्मल किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और 25 बरस में हम लोग आज दाखिल हो रहे हैं। मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मुजम्मत करता हूँ कल की घटना की, जो आदरणीय शरद पवार साहब को जान से मारने की धमकी दी गई और दाभोलकर जैसा हश्र तुम्हारा भी किया जाएगा, तुमको भी मार दिया जाएगा, इस तरीके का धमकी देने वाला शख्स जो निकला है अमरावती का, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वर्कर है। इन्हें एक विचारधारा जो लोग इस देश में आप लेकर चलेंगे, जो सेकुलर बात करेंगे, सब समाज और धर्म को साथ लेकर चलेंगे, ये इस मुल्क की सेकुलर पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जातिवादी शक्तियों के खिलाफ रहेगी तो उनको जान से मारने की भी धमकी इस देश के अंदर अब दी जा रही है। और ये देश देख रहा है और वापस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में घर बैठाने का काम देश की आवाम करने जा रही है। आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम लोगों को भी आदरणीय शरद पवार साहब के विचार, राष्ट्रवादी पार्टी के विचार को लेकर हम लोगों को भी लड़ाई लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से देश भर के अंदर शरद पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ते हैं और आज तक अपनी विचारधारा के ऊपर 84 बरस की उम्र के अंदर भी वो एक डट कर मुकाबला करने का, उनकी विचारधारा को आगे लेकर, अभी शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि इस देश के अंदर मुसलमानों और क्रिश्चन के साथ जो हो रहा है ये गलत है। ये बहुत बड़ा जो लीडर होता है, जो बहुत धाड़ीसमंद लीडर होता है, वही ये बयान दे सकता है। मुसलमानों की हिमायत में, क्रिश्चनों की, अल्पसंख्यकों की हिमायत के अंदर अगर किसी ने बयान दिया, शरद पवार साहब है। मैं ऐसा मानता हूँ आज देश की दूसरी सेकुलर पार्टियां भी ऐसे बयान देने के अंदर 10 दिन सोचती है, क्योंकि शरद पवार साहब ने वो बयान दिया और उसके बाद आप देखो कि शरद पवार साहब को धमकी आ गई। तो हमको एक विचारधारा लेकर चलना है और हमारे शहर के अंदर, हमारे तालुके के अंदर हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। जब जाकर हम लोग बोलते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम लोग मालेगांव में मजबूत कर लो, इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जब मजबूत होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये देश के अंदर एक अच्छा संदेश एक मैसेज जाएगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत खत्म होगी, ऐसे हालात आज बताए रहे। लेकिन उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, टर्न दिया जाए, आपने देखा कि औरंगजेब के नाम पर अहमदनगर के अंदर दंगल हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान के फेसबुक के ऊपर सिर पर स्टेटस रखने के ऊपर, मोबाइल पे स्टेटस रखने के लिए व्हाट्सएप पर, वहाँ पर कोल्हापुर में दंगल हो गई, उसके बाद आपने देखा कि संगमनेर के अंदर हालात खराब हुए, उसके बाद अभी धुलिए के अंदर 4 दिन पहले हालात और खराब हुए। इस तरीके से एक वातावरण बनाने की कोशिश कि जातिवाद का फिर एक मरतबा यहाँ पर बीज बोकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है और इसका मुकाबला हम लोगों को करना है। और हम लोगों को जज्बात में कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाना कि उससे हमारे मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्या हो, हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, कि उनके ऊपर उन लोगों को मुसीबत में नहीं डालना और इस तरीके से हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। बहरहाल इस मौके के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोग यहां पर अपना वक्त निकाल कर भवन पर, राष्ट्रपति भवन पर पहुँचे, आपका शुक्रिया।
और इसके बाद